जम्मू कश्मीर की रैली में सीएम योगी ने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर में जीती बीजेपी तो भारत में शामिल होगा पीओके। बहनों भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट होने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान अपने लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा है, वहां रोटी के लाले पड़े हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चुनावी हुंकार, आज रामगढ़ और छाम में करेंगे महारैली। योगी सरकार ने जारी किया 2017 से 2024 तक के एनकाउंटर का लेखा जोखा जारी, कुल 52 अपराधियों में हर धर्म जाति के बदमाश। एसटीएफ की तरफ से जारी की गई लिस्ट, इनमें 15 मुस्लिम अपराधियों के नाम। लिस्ट के मुताबिक 10 ब्राह्मण जाति के अपराधियों का एनकाउंटर, यादव जाति के 8 बदमाश। श्रावस्ती में डीएम ने मजार से अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश, अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का किया दौरा। सीसीटीवी में 24 घंटे संचालित रखने के निर्देश, बौद्ध स्थली समेत महेट में स्थित है मजार। आज दिल्ली विधानसभा का दूसरा और अंतिम दिन, आज भी हंगामे के पूरे आसार। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, एलजी सक्सेना ने मेयर शेली ओबराय का फैसला पलटा, 5 अक्टूबर तक सदन स्थगित किया गया था। एलजी के फैसले पलटने पर दिल्ली के पूर्व जेपीजी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जताई नाराजगी, कहा बीजेपी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 24 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का किया गया गठन, नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के बनाए गए सदस्य, वहीं बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष। वित्त मामलों की संसदीय समिति की कमान बीजेपी सांसद भर्तरी मेहताब को, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला शिक्षा युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान। जगनमोहन रेड्डी के शनिवार को तिरुपति जाने के ऐलान से पहले सियासत तेज, टीडीपी और बीजेपी ने अपने धर्म का खुलासा करने का दबाव बनाया। टीडीपी ने कहा कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब वे मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है, पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वे साइन के बिना ही मंदिर में गए थे। होटल और ठेलों पर मालिक के नाम दिखाने के किसी भी आदेश से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया इनकार, कहा इसका फैसला स्पीकर द्वारा गठित स्ट्रीट वेंडर कमेटी करेगी। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए लगाया गया भ्रष्टाचार का झूठा आरोप, मोदी ताकत पर हैं लेकिन भगवान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा दो नेताओं को जेल में डाल देने से टूट जाएगी पार्टी। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सनातन पर बोले, मुझे चिंता होती है कि कुछ लोग इतना मादा कहां से लाते हैं कि विदेश में देश विरोधी लोगों के साथ बैठकर राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा यह समय चुप रहने का नहीं है, ये शताब्दी भारत की है, ये शताब्दी सनातन धर्म की भूमि का है। वाईएसआरसीपी सांसद रयागा कृष्णैया ने राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से स्पीकर का किया इस्तीफा। धनबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनते ही झारखंड के सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें हटा दिया जाएगा। कोयम्बटूर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, डीएम के कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न। महाराष्ट्र गोवा और गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली एनसीआर के आसमान में भी छाए बादल, छिटपुट बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने ली करवट, इंडिया गेट से सामने आई सुहाने मौसम की तस्वीरें।
भावनगर के कोलिया गांव में उफनते पानी में फंसी बस, बस में सवार 28 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भावनगर कलेक्टर समेत प्रशासन मौके पर रहे मौजूद, बस से सभी यात्रियों और बुजुर्ग पर्यटकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ट्रक में सुरक्षित तरीके से शिफ्ट किया गया। गुजरात के पोरबंदर में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर, कई इलाकों से आई बारिश की तस्वीरें। जम्मू में सुबह सुबह हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के गुलगाम में जमकर गिरे ओले, बारिश ने बढ़ाई ठंड। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के बाद रोड पर पेड़ गिरने से रास्ते हुए जाम। मौसम विभाग की चेतावनी, कांगड़ा, चंबा, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी जिला में 24 घंटे के दौरान फ्लैश फ्लड का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ का कहर जारी, कई गांव तबाह। हुगली में कच्चे पक्के मकानों का मिट गया नामोनिशान, लोग खुले में रहने के लिए मजबूर। बाढ़ से हजारों बीघे जमीन में लगी फसल नष्ट, खाने पीने पर भी संकट। बंगाल में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जहरीले सांपों का खतरा, 152 लोगों को काटा। वाराणसी में उतरने लगा गंगा का पानी, घाटों को साफ करने का काम हुआ शुरू। झारखंड के लातेहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हुए शामिल। वडोदरा में स्वच्छता ही सेवा और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली में 83 आरडी सीएसआईआर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की शिरकत। गांधीनगर में सहकारी बैंकिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के प्रीमियर की मेजबानी, कई फिल्मी सितारे हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह ने पेसा जीडीपीसी पोर्टल किया लॉन्च, राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। बेंगलुरु में सीएम सीतारामैया ने परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा राज्य में विकास का कार्य जारी रहेगा। जयपुर में जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाएं, विशेष सेमिनार का आयोजन किया, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने की शिरकत। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और एसजेवीएन लिमिटेड के बीच ऊर्जा को लेकर हुआ समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। श्रीनगर में ओपन कश्मीर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन, कई राज्यों के युवा ले रहे हिस्सा। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है धार्मिक टूरिज्म, यूपी सरकार टूरिज्म स्पोर्ट्स के आसपास के ग्रामीण इलाकों का करेगी कायाकल्प, बनाएगी नई रणनीति। रांची में 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,76,977 किसानों का लोन हुआ माफ, किसानों के चेहरों पर खिली मुस्कान। एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा ने खोला एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ मोर्चा, तिरुपति के प्रसाद पर दिए बयान का विरोध। तिरुपति में बीजेपी नेता माधवी लता ने तिरुमला मंदिर में किए दर्शन, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मंजीरा बजाते हुए गाए भजन। प्रयागराज में जोरों पर है महाकुंभ की तैयारियां, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सज रहा है शहर। दीवारों पर बनाए जा रहे देवी देवताओं के चित्र, चित्रों के माध्यम से लोगों को बताई जाएगी कुंभ की परंपरा। सनातन संस्कृति की चारों ओर दिखेगी झलक, महाकुंभ के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। अयोध्या में पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सुनील गावस्कर ने रामलला के किए दर्शन, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष से भी की मुलाकात। शिरडी में साईं बाबा को चढ़ा 4 दिनों में 2रा सोने का मुकुट, तेलंगाना के भक्त ने अर्पित किया 258 ग्राम का सोने का नक्काशीदार मुकुट।